भी शिरकत नहीं कर सकता। मनोहर भाई ठीक है, आए थे, परेशान थे, गमगीन थे वो भी। उन्होंने गुस्सा दिया, मुझे कहा कि मैं आपके साथ हूँ और राजनीतिक चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आप मेरे भाई की तरह। मुख्तार अंसारी के बड़े विरोधियों में आपका नाम चलता है, लेकिन उसके बाद आप उनके यहाँ इंतकाल के बाद वहाँ पहुँचे और वहाँ जा करके आपने कुर्सा दिया, फातिहा भी पढ़ा। आदाब, मैं मुनव्वर अली, पूर्व प्रत्याशी 356 सदर मऊ। आप मानते हैं कि जो है विरोध रहा है हमारा, और 12 में भी हम चुनाव उनके खिलाफ लड़े थे और फिर जो है 22 में चुनाव हम लड़े थे उनके खिलाफ। और मिट्टी देना जिस हम लोग का जो है कलमा गो है और मुसलमान है तो हर मोमिन का फर्ज है कि अगर मोमिन है तो जो है उनके दुख में सुख में जो है शामिल हो जाए। मानवता नाते, इंसानी नाते हम कहते हैं, क्योंकि जो है ये उनकी उनका इंतकाल हुआ 28 तारीख को। मैं जो है दिल्ली था और उस समय बच्चों का टेस्ट दिलाना था JMI में। उसके बाद मैं आया हूँ कि 31 को वहाँ से ट्रेन पकड़ा हूँ और 21 तारीख को आया हूँ। 21 तारीख को रात में इफ्तारी करने के बाद, भोजा करने के बाद मैं यहाँ से चला था। उमर अंसारी से आपकी मुलाकात हुई तो क्या खास बात हुई? उमर अंसारी से भी मुलाकात हुई, अफजाल अंसारी बाबा जो उनसे भी मुलाकात हुई, और उनके भाई बड़े भाई जो है शफीकुल्लाह अंसारी जो एतकाफ़ में थे वहाँ नमाज पढ़े सब, उनसे भी मुलाकात हुई। तीनों लोगों से मुलाकात हुई। और मन्नू अंसारी जो विधायक है वो तो हमारे साथ जो है कब्र तक गए भी मुख्तार अंसारी के, वहाँ हम फातिहा पढ़े और उनके हक में जो है दुआ किए। क्या बातें हुई इस दौरान? अब बातें कुछ नहीं हुई, हमने कहा कि भाई हम लोग जो है ताजियत जो है करने आए हैं और इंसानियत नाते हम लोग जो है मुख्तार अंसारी जो है फातिहा पढ़ने आए हैं उनके कब्र, बस यही, और कोई बात नहीं हुई। उमर अंसारी के घोसी लोकसभा से चुनाव लड़ने की भी बड़ी चर्चा चल रही है आजकल तो। भाई वो राजनीतिक हर खानदान से है और चर्चाएं चलती रहती है। अगर चर्चा है तो भाई वो लोकतंत्र में आज़ाद हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हम भी लड़ सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी गए थे, उनके घर का चुनाव लड़ाने की बात है। भाई देखिए, असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, हमारे दल के नेता है, हमारे नेता है, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले वो गए, उसके बाद से जो है और दल अन्य दलों के लोग जो है पहुंचना शुरू किए। कहीं ना कहीं जो है उनके आने के बाद से लोगों में एक मतलब एक होड़ मची हुई है। असदुद्दीन अपने टिकट से उमर अंसारी को चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, अगर उमर अंसारी लड़ना चाहे तो हम पूर्वांचल सचिव हैं तो लड़ा भी सकते हैं, वो कहेंगे तब। अच्छा, उमर अंसारी अगर कहेंगे तो आप उनको चुनाव लड़ेंगे? लड़ा देंगे।